चैनल द राइडिंग सोल। सो गाइस, अब ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है पावर ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो आप हम लोग रीमैपिंग करने जा रहे हैं, मतलब मैप जो है वो अपनी जो ECU डिवाइस है उसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। सो गाइस, ये हमारा लैपटॉप है और इसमें हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हमारे मैप हम बाइक में जो हमारा ये ECU है इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। चलो सो गाइज, अब अपने को शशांक भाई पूरा इसका इंस्टॉलेशन बताने वाला है कि मैपिंग का कैसे सीन होता है, तो भाई बताना। सो जैसे कि आप लोग सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर पावर ट्रॉनिक वालों ने प्रोवाइड करा है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे आपको चैसी लाइन दिखेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको फ्यूल लाइंस दिख रही है सारी। सो ये आपकी सारी फ्यूल लाइंस है। सो यहाँ पे हमको इनिशियली दो मैप मिले हैं। सो फर्स्ट मैप आपको यहाँ रिप्रेजेंट करेगा फ्यूल 1 उसका इग्निशन, सेकंड मैप के लिए आपको फ्यूल 2 और इग्निशन 2 दिखेगा, और बाकी आपकी यहाँ सेटिंग्स रहेंगी। सो अगर आपने क्विक शिफ्टर खरीदा तो आपको क्विक शिफ्टर की सेटिंग्स यहाँ पे देख जाएंगी। सो सबसे पहले हम लोग अपने पावर ट्रॉनिक को जो वायर प्रोवाइड करेगी उसको यहाँ पर प्लग करेंगे, दूसरे वायर को यहाँ पर प्लग करेंगे। सो आपको पावर ट्रॉनिक पे यहाँ पे इनिशियली आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना कनेक्ट कर रखा है, तो लोग को यहाँ पे COM4 दिखाई दे रहा है, आपको COM3 COM5 कुछ भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कनेक्ट का बटन ऑन होगा, आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग को इसके जो मैप है जो प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे है इसको यहाँ से अपने लैपटॉप में लाना है। तो उसके लिए हम लोग पहले करेंगे रिसीव। सो मैंने यहाँ पर रिसीव करा है, रिसीव पर बटन दबाया, यहाँ पर स्टेटस आ गया रीडिंग डेटा फ्रॉम ECU। ये रीड करेगा, जैसे रीड हो जाएगा सारी टेबल यहाँ पे आपको डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। सो हम लोग वेट करते हैं जब तक यहाँ पे रीड कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ECU के हमारी सारी रीडिंग रीड हो चुकी है, और यहाँ पे आपकी सारी फ्यूल लाइंस पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। ये आपका मैप 1 की लाइंस, ये आपकी मैप 2 की लाइंस। ओके, सो नाउ आप लोग इस कॉन्फ़िग बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िग बटन पे, सो करेंटली आप देख सकते हैं हमारा RPM लिमिट जो है 9502 पे सेटिंग हुई पड़ी है, और स्टॉक में जो हमें मिलती है वो मिलती है 8500। सो इसको आप 10500 तक कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अपने इंजन की रिलायबिलिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आप मेक श्योर करते हो कि आप इंजन को ज़्यादा रेव नहीं करोगे और आपको 10500 RPM एंजॉय करना है, तो आप इसको यहाँ पर 10500 RPM की सेटिंग कर सकते हो। बट फॉर नाउ मैं 9500 RPM पर जाऊँगा, बिकॉज मैं जनरली इसमें ज़्यादा अपनी बाइक को रेव करता हूँ। सो यहाँ पे सारी सेटिंग्स सही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे, और आपको पावर ट्रॉनिक की वेबसाइट पे आके आपको एक मैप होगा वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। सो मैं वहाँ पे मैप की लोकेशन में जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊँगा आपको मैप कैसे डाउनलोड करना है। सो आप सीधे क्रोम पर जाइए, पावर ट्रॉनिक की वेबसाइट खोलिए। यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन पे आके आपको यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, मैं थोड़ा ऊपर जाके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करा आपने, ओके, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करा आपने। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे जो है पावर ट्रॉनिक्स मैप दिख रहा है, इस डाउनलोड बटन में क्लिक करना है। आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आपकी ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपको अपनी बाइक का मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करना है और आपकी डाउनलोड बटन में क्लिक करना है। जब आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपको अपने बाइक का ईयर वर्जन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन है, पावर ट्रॉनिक विद क्विक शिफ्टर मैप, पावर ट्रॉनिक विदाउट क्विक शिफ्टर, पावर ट्रॉनिक कस्टम एग्जॉस्ट मैप। सो अगर आपने क्विक शिफ्टर लिया है तो आप पावर ट्रॉनिक विद क्विक शिफ्टर पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्विक शिफ्टर नहीं लिया तो मैं यहाँ पे क्लिक करा, और अगर आप अपने बाइक पर कोई ब्रांडेड कंपनी का कोई कस्टम एग्जॉस्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको उसके हिसाब से मैप डालना है तो आप तीसरे लिंक पर क्लिक करिए। सो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और आपका फाइल सीधे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। और कुछ .R2 मैप फाइल का एक्सटेंशन रहेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी फाइल आपकी रहेगी यहाँ पे, ओके। सो नाउ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ। सो आप अपने बैक सॉफ्टवेयर पे जाइए RTM पे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप कॉन्फ़िग में जाएंगे, आपको यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट करना पड़ेगा, थ्रॉटल पोजिशनिंग, और यहाँ पर आपको ऑटो कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आप ऑटो कोलैबोरेट पर क्लिक करिए, गाड़ी के इंजन की खोल दीजिए, गाड़ी को इग्निशन स्विच ऑन कर दीजिए, इतना करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा थ्रॉटल को फुल करो और बैक कर दो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रीड हो जाएगी। मिनिमम मैक्स इतनी है, मिनिमम इतनी है, लाइव वैल्यू मेरी इतनी थी, ओके। और उसके हिसाब से अगर मैं दोबारा यहाँ पे करूँगा तो आपको यहाँ पे फुल जाते हुए दिखाई देगा, ओके। सो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा रीड हो चुका है, डाटा सेंड हो चुका है, ऑटो कोलैबोरेशन सक्सेसफुल, सेंड डेटा टू ECU, सब कुछ हो चुका है। मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। अब नाउ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फाइल पर जाऊँगा, ओपन करूँगा और जो मैंने अपना कस्टम मैप डाउनलोड करा था उसमें मैप को सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा सिलेक्टेड मैप ही था। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैप को ओपन कर लिया और मेरा यहाँ पे मैप पूरा यहाँ पे लोड हो चुका है यहाँ पे। ओके, कॉन्फिग में जाके आप अगेन वेरीफाई कर सकते हो सारी चीज़ें। ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारा जो डेटा आपने अभी कलेक्ट करा है वो आपके सॉफ्टवेयर पे, आपको इस सॉफ्टवेयर से पावर ट्रॉनिक में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो सेंड बटन है आप उस पर क्लिक करिए, सेंड पे क्लिक करिए। सो यहाँ पे आप बोल रहा है सेंडिंग डेटा टू ECU। सो अब नाउ आपका सारा डेटा ECU में जा रहा है और यहाँ पे सारा डेटा मेरा ECU में चला गया है। अभी सिर्फ आपका डेटा ECU में का है। अगर आप अपने सारे मैप सेटिंग से एकदम प्रॉपरली सेटिस्फाइड है और आप चाहते हैं कि इस सेटिंग से अब नाउ गो हेड हुआ जाए तो आप लॉक एंड बर्न पे क्लिक करिए। आप लॉक एंड बर्न पे क्लिक करेंगे ऐसे, यहाँ पर आपको प्रोसीड बोलेगा, आप प्रोसीड कर दीजिए। अब आपका डेटा सारा ECU में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। सो यही स्टेप्स थे आपके फॉलो करने के लिए। एक बार आपका सक्सेसफुल हो गया, वी आर गुड टू गो एंड हैव फन विद द पावर ट्रॉनिक। सो गाइस, अब अपना मैप इंस्टॉल हो चुका है। मैप भी ऑलमोस्ट सारा इंस्टॉल हो चुका है, कोई वर्क इसके बाद नहीं। फाइल में आपके दोनों मैप रहेंगे। सो आपने जो .r2 मैप फाइल डाउनलोड करी थी, आपका मैप 1 और मैप 2 दोनों अवेलेबल रहेंगे। और आप अगर कस्टम साइलेंसर यूज़ कर रहे हैं और आपको अपने अकॉर्डिंगली लाइक लो एंड पे ज़्यादा टॉर्क चाहिए, हाई एंड पे ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जाइए किसी भी डायनो फैसिलिटी पे, मल्टीपल डायनो रन करिए, उसके हिसाब से अपना कस्टम मैप बनाइए और उस कस्टम मैप को यहाँ पर आप लोड करके अपने पावर ट्रॉनिक में बंद कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद एक और जो वो स्विच वाला है और जो क्विक शिफ्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बहुत जगह वीडियोज़ में देखा और मुझे मिला नहीं, वो है कि मैंने यहाँ पे एक कस्टम मैप स्विच बटन नहीं लिया है। सो पावर ट्रॉनिक वेबसाइट पे 1500 रुपये का आपको एक मैप स्विच बटन मिलता है जो यहाँ पे माउंट हो जाएगा। उसमें आप M1 M2 करके मैप में स्विच कर सकते हैं, बट मैंने वो नहीं लिया। तो उसका अल्टरनेटिव वर्क अराउंड क्या है कि आप अगर इधर देखें तो आपको ये बटन मिल रहा है, राइट। तो ये इसी के पावर ट्रॉनिक की वायरिंग है। स्विच लेंगे तो वो स्विच का बटन यहाँ पे क्लिक होगा जिसके थ्रू आप मैप 1 मैप 2 कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास स्विच नहीं है तो मैं मैनुअली क्या कर सकता हूँ, मैं अगर उसको इसमें क्लिक करूँगा तो मेरा मैप 2 एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये खुला हुआ है, इट मीन्स मैप 1 एक्टिवेट है। मैप 2 बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अगर आपको मैप 2 इंजॉय करना है तो मेक श्योर कि आप इसमें आकर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। सो गाइस, होप करता हूँ आपको ये जो वीडियो है हमने जो बनाई है आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोग को बता सकते हो। और या क्या आपकी राय है कि आप और इसके अलावा और कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। तो इसके बाद जो हमारी वीडियोस आएंगी वो आएंगी इसके ड्रैग रेस के, इसके कंपैरिजन्स के ऊपर और इसकी स्पीड टेस्ट के ऊपर। तो भाई होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। अच्छी लगे तो आपको पता है आपको करना है लाइक और करना है सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो, और प्रेस द बेल आइकन आल्सो, तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और अपडेट रहने के लिए यह रहा इंस्टाग्राम का हैंडल, जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं।